नमस्कार। अभी तक हमने यादृच्छिक अनुक्रमों को देखा है एवं यह देखा है कि किन स्थितियों में हम यह कह सकते हैं कि एक यादृच्छिक अनुक्रम अभिसारित हो रहा है। अब यादृच्छिक अनुक्रमों एवं अभिसरणों की इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस अध्याय के अंतिम भाग की चर्चा करेंगे जो कि हैं वृहद संख्याओं के नियम अथवा लॉज ऑफ लार्ज नंबर्स। प्रायिकता के कई कोर्सों में यह अंतिम अध्याय होता है, परंतु क्योंकि यह एक स्नातक छात्रों के लिए बनाया गया कोर्स है, इसलिए हम वृहद संख्याओं के नियमों की केवल परिभाषाएं देंगे अथवा हम वृहद संख्याओं के नियमों के विषय में केवल बताएंगे कि वह नियम क्या हैं, हम उनकी उत्पत्ति नहीं देंगे। इन नियमों की उत्पत्ति अथवा इन नियमों के प्रमाण आपको यदि आप इस कोर्स का एक परास्नातक कोर्स करते हैं प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाओं का, जो कि हो सकता है कभी हिंदी में भी उपलब्ध हो जाए, यदि आप इसका एक परास्नातक कोर्स करते हैं तो इन नियमों की उत्पत्ति, इन नियमों के प्रमाण आपको वहाँ मिलेंगे। इस कोर्स में जिसे कि वृहद संख्याओं का बर्नौली नियम कहते हैं, उसे छोड़कर हम किसी नियम को प्रमाणित नहीं करेंगे। हम केवल उनके प्रमाण का एक प्रकार से हम बताएंगे कि इसे किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है, किंतु व्यापक प्रमाण हम अथवा एक पूर्ण गणितीय प्रमाण हम यहाँ पर नहीं देंगे। अब जैसा कि हमने कहा था, हम वृहद संख्याओं के नियमों की चर्चा कर रहे हैं। इनमें से पहला है बर्नौली का वृहद संख्याओं का नियम, इसे हम प्रमाणित करेंगे। यह है यदि किसी परीक्षण में सफलता की प्रायिकता पी है एवं उसके एन दोहरावों में सफलताओं संख्या के है, तब सीमा एन अनंत की ओर प्रायिकता के बटे एन किसी भी एप्सिलन से कम होने की प्रायिकता अथवा के बटे एन घटा पी इसका निरपेक्ष मान किसी भी एप्सिलन से कम होने की प्रायिकता एक की ओर जाती है। अथवा सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे जैसे n अनंत की ओर जाएगा, k बटे n p की ओर जाएगा, जो कि हम निश्चित रूप से हमारे लिए सहज रूप से समझना सरल है। अब हम इसका गणितीय उत्पत्ति देते हैं। मान लीजिए हम इस बर्नौली परीक्षण के आईवें दोहराव के परिणाम को यादृच्छिक चर xi द्वारा इंगित करते हैं, जो सफलता की स्थिति में मान एक धारण करता है एवं
असफलता स्थिति में मान शून्य धारण करता है। सफलता की स्थिति में मान एक धारण करता है, असफलता की स्थिति में मान शून्य धारण करता है, सरल है। अब एवं हम xn बार को xi i बराबर 1 से n का औसत अथवा प्रतिदर्श मध्यमान कहते हैं। xn बार को इसका औसत अथवा प्रतिदर्श मध्यमान कहते हैं। हम यह दिखा चुके हैं कि प्रत्याशा xi बराबर है प्रत्याशा x बार n बराबर है p। यह सिद्ध करना सरल है। एवं प्रसरण xi बराबर है p। अंततः प्रसरण xn बार बराबर है n। यह अब छोटी कक्षाओं में अर्थात 11वीं 12वीं में पढ़े गए कलन के फलस्वरूप हम यह जानते हैं कि यदि हमें p गुणा घटा p दिया गया हो तब यह p बराबर 1/2 पर अधिकतम मान धारण करेगा। तब यह p बराबर 1/2 पर अधिकतम मान धारण करेगा अर्थात p गुणा 1 घटा p सदैव 1/4 से कम ही रहेगा। अब हम यह जानते हैं प्रायिकता एप्सिलन बराबर है p गुणा 1 घटा p बराबर है 1/4 n। यह अब यदि हमें n परीक्षणों में k सफलताएं मिली हैं तब x बार बराबर है k बटे n परिभाषा स्वरूप अर्थात प्रायिकता k बटे n माइनस एप्सिलॉन बराबर है। यह देखना सरल है। अब सीमा लगाते हुए प्रायिकता असल में यह होगा, क्षमा कीजिए, यह अब सीमा लगाते हुए बटे n अर्थात प्रायिकता एक के साथ अर्थात जैसे जैसे n बढ़ेगा यह प्रायिकता एक के साथ किसी भी एप्सिलॉन के लिए, एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो उसके लिए यह सत्य होगा। एप्सिलॉन कितना भी छोटा हो सकता है, हमने यह शुरू में ही परिभाषित किया था कि छोटे से छोटे एप्सिलॉन के लिए यह प्रायिकता एक के साथ सत्य होगा अर्थात प्रायिकता k बटे n का निरपेक्ष मान किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक की ओर जाएगा जो कि हम सिद्ध करना चाहते थे। यह बर्नौली का नियम था। अब हम वृहद संख्याओं के सबल नियम की चर्चा करेंगे जो कि
बोरेल का वृहद संख्याओं का सबल नियम। इसे बोरेल का वृहद संख्याओं का नियम भी कहते हैं, वृहद संख्याओं का सबल नियम भी कहते हैं। हम बाद की चर्चा के लिए यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तब हम इसे वृहद संख्याओं का सबल नियम अथवा स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहेंगे। हम इसका प्रमाण नहीं देंगे। यह नियम कहता है यदि एक्स आई एक बर्नौली परीक्षण के परिणाम को दर्शाता है जहां सफलता की प्रायिकता p है एवं पहले की तरह ही सफलता में xi एक मान एक धारण करता है, असफलता की स्थिति में xi मान शून्य धारण करता है, तब xn बार साथ अर्थात प्राय सर्वत्र रूप से p की ओर जाता है। यह है वृहद संख्याओं का सबल नियम है। एक अन्य प्रमेय हम यह देख सकते हैं कि यह सहज रूप से समझना सरल है, इसका गणितीय प्रमाण हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। इसी प्रकार अन्य दो नियमों के भी हम गणितीय प्रमाण इस कोर्स में नहीं करेंगे, अन्य तीन प्रमेयों के। अगला प्रमेय है मार्कोव का प्रमेय। यदि हमारे पास एक यादृच्छिक एक्साई है जिसका प्रतिदर्श मध्यमान हम एक्सएन बार बराबर जो द्वारा है, तब यदि म्यू एन बराबर एवं सिग्मा एन बार बराबर जहां सीमा एन अनंत की ओर म्यू एन म्यू की ओर अभिसारित होता है एवं सीमा एन अनंत की ओर एन वर्ग शून्य की ओर अभिसारित होता है, तब सीमा एन अनंत की ओर भी शून्य की ओर अभिसारित होगा, तब यह भी शून्य की ओर ही अभिसारित होगा। यह मार्कोव का प्रमेय है, इसका भी हम प्रमाण नहीं देंगे। इससे एक उपप्रमेय निकलता है जो कि यह कहता है यदि एक्स एक से एक्स एन असहसंबंधित चर हैं, यदि एक्स एक से एक्स एन असहसंबंधित यादृच्छिक चर हैं एवं सीमा एन अनंत की ओर सिग्मा एक जोड़
सिग्मा एन जो बटे एन शून्य की ओर अभिसारित होता है, तब एक्स एन की ओर एक बटे एन एक्स एन एक्स आई, यह वर्ग मध्यमान रूप से सत्य होगा। यह वर्ग मध्यमान रूप से अर्थात वर्ग मध्यमान रूप से सत्य होगा, यह वर्ग मध्यमान रूप से सत्य होगा। अब हम वृहद संख्याओं के दुर्बल नियम की चर्चा करते हैं, इसके बाद एक नियम और, अर्थात हमारे पास दो नियम बचे हैं जिनकी हमने चर्चा करनी है। वृहद संख्याओं का दुर्बल नियम, मान लीजिए एक्स एक से एक्स एन स्वतंत्र अथवा इसे हम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, हम इसे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी कहते हैं। अब मान लीजिए एक्स एक से एक्स एन स्वतंत्र एवं समरस बंटित इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसा कि हमने पहले भी कहा था यादृच्छिक चरों का एक अनुक्रम है जिनका, क्योंकि यह समरस बंटित हैं इसलिए इनका घनत्व फलन एक समान ही होगा, जिनका घनत्व फलन एफएक्स है एवं वैशिष्ट्य फलन फाई एक्स ओमेगा इस प्रकार है कि फाई ओमेगा का पहला अवकलन ओमेगा बराबर शून्य पर परिभाषित है। तब म्यू बराबर आयोटा फाई शून्य एक वास्तविक संख्या है जहां म्यू एक बटे एन अर्थात म्यू के बराबर एक से एन एक्स के, यह है इसका प्रतिदर्श। हम यह देख सकते हैं यह है म्यू प्रतिदर्श म्यू इसका प्रतिदर्श मध्यमान है। एवं यह भी बताना आवश्यक है कि आयोटा, जैसा हमने पहले कहा था, आयोटा माइनस एक का वर्गमूल है, अर्थात यह प्रतिदर्श मध्यमान इसके वैशिष्ट्य फलन द्वारा परिभाषित प्रथम आघूर्ण पर आता है अथवा यह इसके वैशिष्ट्य फलन द्वारा परिभाषित प्रथम आघूर्ण पर अभिसारित होता है। यह अंततः हम केंद्रीय सीमा प्रमेय की चर्चा करते हैं जो कि वास्तविक रूप से अथवा यथार्थ में कम संचार प्रणाली एवं आजकल जो मशीन लर्निंग, आप लोगों ने निश्चित रूप से मशीन लर्निंग बहुत सुना होगा, मशीन लर्निंग के सभी जिन्हें हम डेटा मॉडल्स कहते हैं उन्हें समझने में यह केंद्रीय सीमा प्रमेय एक आधारभूत नियम है। जो कुछ भी हम संचार अभियांत्रिकी में बनाते हैं वह सब केंद्रीय सीमा प्रमेय पर आधारित है। मशीन लर्निंग जो कि आप लोगों ने निश्चित रूप से सुना होगा, आज हर ओर मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब की बात हो रही है, तो मशीन लर्निंग का जो आधार है वह भी कहीं ना कहीं केंद्रीय सीमा प्रमेय से ही प्रेरित है। इसलिए हम चाहे केंद्रीय सीमा प्रमेय को गणितीय रूप से सिद्ध नहीं कर रहे हैं
किंतु केंद्रीय सीमा प्रमेय का स्वरूप जानना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए हम इस चर्चा को केंद्रीय सीमा प्रमेय की चर्चा से समाप्त करेंगे। अब हम केंद्रीय सीमा प्रमेय बताते हैं क्या है। केंद्रीय सीमा प्रमेय अथवा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यदि एक्साई से एक्स एक से एक्स एन एन स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं जिनका जोड़ हम एक्स द्वारा अर्थात x बराबर है x1 से xn जोड़, तब हमारे लिए यह देखना सरल है कि x1 यादृच्छिक चर है जिसका मध्यमान म्यू बराबर म्यू 1 से म्यू n एवं प्रसरण सिग्मा वर्ग बराबर सिग्मा एक वर्ग से सिग्मा एन वर्ग। यहाँ यह बताना सरल है कि एक्साई का मध्यमान, यह देखना सरल है कि एक्साई का मध्यमान म्यू आई एवं एक्साई का प्रसरण सिग्मा आई वर्ग है। अब एक्स का मध्यमान म्यू इनका जोड़ अथवा इन यादृच्छिक चरों के मध्यमानों का जोड़ एवं x का प्रसरण इन यादृच्छिक चरों के प्रसरणों का जोड़ है, तब केंद्रीय सीमा प्रमेय यह कहता है कि कुछ विशेष प्रतिबंधों के अंतर्गत x का बंटन मध्यमान म्यू एवं प्रसरण सिग्मा वर्ग वाले एक गौसियन यादृच्छिक चर के बंटन की ओर बढ़ेगा। यह अब यदि एक्स आई संतत यादृच्छिक चर हैं तब एफ एक्स एक्स अर्थात एक्स का घनत्व फलन भी मध्यमान म्यू एवं प्रसरण सिग्मा वर्ग वाले एक गौसियन यादृच्छिक चर के समान ही होगा। x का घनत्व फलन भी मध्यमान म्यू एवं प्रसरण सिग्मा वर्ग वाले गौसियन यादृच्छिक चर के समान ही होगा। यह केंद्रीय सीमा प्रमेय है। सरल शब्दों में यदि हमारे पास बहुत से यादृच्छिक चर हैं एवं हम उनके कुल जोड़ का बंटन फलन अथवा उनके कुल जोड़ का घनत्व फलन देखना चाहते हैं तो वह कहीं कहीं एक गौसियन यादृच्छिक चर के समान ही होगा। यह केंद्रीय सीमा प्रमेय कहता है उस गौसियन चर का मध्यमान उन सभी यादृच्छिक चरों के मध्यमान का जोड़ होगा एवं उन सभी
का प्रसरण उन सभी यादृच्छिक चरों के प्रसरणों का जोड़ होगा, यह बस यहाँ पर जो मूल प्रतिबंध है वह यह है कि उन यादृच्छिक चरों को स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ प्रतिबंध हैं जो कि हम इस कोर्स में जिनकी चर्चा नहीं करेंगे, किंतु इसके कुछ अन्य सरल प्रतिबंधों के अंतर्गत यह सत्य होगा। एवं कई भौतिक प्रक्रियाओं में, जैसा कि मैंने कहा संचार एवं मशीन लर्निंग में, यह प्रतिबंध सत्य होते हैं। यह प्रतिबंध कोई ऐसे कठिन प्रतिबंध नहीं है हम जिनका पालन ना साधारण रूप से जिनका पालन ना कर सकें। एवं केंद्रीय सीमा प्रमेय अथवा सेंट्रल लिमिट थ्योरम n बराबर 5 से 7 पर सत्य होगी। अब प्रश्न यह है कि केंद्रीय सीमा प्रमेय, हमने यह कह दिया है कि हमारे पास कोई भी यादृच्छिक चर है, हमारे पास किन्हीं भी यादृच्छिक चरों का एक समूह है, हम उनका जोड़ ले लें तो वह गौसियन होगा। तो हम किसी भी यादृच्छिक चर को, कठिन से कठिन यादृच्छिक चरों का, यदि हमारे पास एकाधिक यादृच्छिक चर किसी वस्तु पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो हम उनके कुल जमा जो भी प्रभाव होगा उसे कह सकते हैं गौसियन बंटित होगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार हम यह देखते हैं कि अनेक यादृच्छिक तत्व रहते हैं किसी भी भौतिक प्रक्रिया, किसी भी वास्तविक भौतिक प्रक्रिया के पीछे, मान लीजिए किसी की लंबाई, उसकी लंबाई निर्धारण में अनेक भौतिक तत्व रहेंगे, उसी प्रकार किसी डाल से पत्ते का टूटकर गिरना, उसमें भी अनेक भौतिक तत्व रहेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि डाल से टूटकर गिरने वाले पत्तों की आयु, जैसा हमने पहले कहा था, गौसियन बंटित है। लोगों की लंबाई गौसियन बंटित है। तो गौसियन बंटन या जनसमूहों में गौसियन बंटन का मूल कारण ही यह केंद्रीय सीमा प्रमेय है। तो अब क्योंकि केंद्रीय सीमा प्रमेय हमारे लिए इतना आवश्यक है, इसलिए अब हम केंद्रीय सीमा प्रमेय की उत्पत्ति, गणितीय उत्पत्ति तो हम इस कोर्स में नहीं देखेंगे, किंतु केंद्रीय सीमा प्रमेय के प्रमाण का एक सहज रूप हम अवश्य समझने की कोशिश करेंगे। एवं हम यह देख सकते हैं कि क्योंकि x बराबर है जोड़ xn, तत्स्वरूप हम लिख सकते हैं कि fxx अर्थात x का घनत्व फलन, यह मानते हुए कि यह सभी संतत यादृच्छिक चर हैं, हम यह मान लेते हैं कि यह सभी यादृच्छिक चर संतत हैं, तब हम यह देख सकते हैं fxx बराबर होगा fxx fx1x कुंडलीकरण fx2x कुंडलीकरण fx3x कुंडलीकरण fxnx कुंडलीकरण, यह इन सभी का कुंडलीकरण होगा। एवं हम यह जानते हैं कि यह है सभी ऋणेत्तर यह सभी ऋणेत्तर फलन है। अब ऋणेत्तर फलनों के लिए यह एक, आप मैटलैब में, ऑक्टेव में, पाइथन में जो कुछ भी आप प्रयोग करते हैं, जिस भी भाषा से आप जिस भी कंप्यूटर भाषा से, मैटलैब, ऑक्टेव, पाइथन, इन्हीं की बात कर रहा हूँ, C++ में यह प्रयास मत करिएगा, आप मैटलैब, ऑक्टेव, पाइथन जहाँ भी ये कर सकते हैं, आप यह देख सकते हैं कि ऋणेत्तर अथवा संकेतों एवं प्रणालियों के अपने कोर्स में भी यह देखा होगा कि ऋणेत्तर अनेक ऋणेत्तर फलनों का कुंडलीकरण गौसियन फलन की ओर बढ़ता है। यह आपने निश्चित रूप से देखा होगा, इसे हम कुछ हद तक यहाँ प्रदर्शित भी कर सकते हैं। मान लीजिए सरलता के लिए आप इसे -1 से 1 -1 से 1, यह हमने सरलता के लिए -1 से 1 लिया है, आप इन्हें किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि यदि मैं इनका कुंडलीकरण करूं तो यह -2 से 2 यह आएगा। यह आपने
कुंडलीकरण की परिभाषा एवं अपने संकेतों में प्रणालियों के कोर्स में देखा होगा। अब इसे मैं पुनः कुंडलीकृत करूं, मुझे -2 से, तो तब मुझे कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। यह देख सकते हैं कि यह केवल चार में ही कुछ कुछ गौसीय जैसा दिखाई देने लग गया है। अब जैसे जैसे मैं इस संख्या को n को बढ़ाता जाऊंगा, यह एक गौसीय n अनंत की ओर जाते हुए यह एक गौसीय यादृच्छिक चर की तरह व्यवहार करेगा। आप यह, मैंने जैसे पहले कहा कि आप मैटलैब, ऑक्टेव, पाइथन, जहाँ भी आप सहज हैं, यह आप ऋणेतर फलनों के लिए कर कर देख सकते हैं। और हमने पहले भी कहा है कि कोई भी ऐसा ऋणेतर फलन जो कि जिसका क्षेत्रफल एक है, वह एक वैध प्रायिकता घनत्व फलन हो सकता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय सीमा प्रमेय एक प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया है, हमने अगणितीय रूप से केंद्रीय सीमा प्रमेय को सिद्ध किया है। इसकी गणितीय उत्पत्ति इस कोर्स में हम नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारी यादृच्छिक अनुक्रमों एवं अभिसरण की चर्चा समाप्त होती है। हमारे पास इस कोर्स में एक अध्याय शेष है जो कि यादृच्छिक प्रक्रियाएं हैं। अगले व्याख्यान से हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।